बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी शेसी में मजेदार चिकन पुलाव की रेसिपी के साथ आयशा तर हाजिर है। तो जनाब, ऑयल ले लिया था, तकरीबन आधा किलो के करीब ऑयल था क्योंकि चावल ज्यादा थे, और आपने अपनी चावलों की मकदार के मुताबिक ऑयल लेना है। मेरे 1 किलो चावल थे और 2 किलो के करीब चिकन था। आप चावल और चिकन बराबर मकदार में भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया था तो उसमें साबुत गर्म मसाले का 1 खाने का चम्मच डाला था और 2 प्याज डाल के प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था। फिर नमक और सुर्ख मिर्च डाल दी थी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर भी डाल दिया था। तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन था जिसे अच्छे से प्याज और ऑयल और साबुत गरम मसालों के साथ फ्राई कर लिया था। आज की चिकन पुलाव की ये रेसिपी उन सब के नाम है जो चिकन पुलाव से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ चिकन पुलाव से ही नहीं, हर किस्म के पुलाव से, चाहे वो चना पुलाव हो, बीफ पुलाव हो या मटन पुलाव हो। देखिए, चिकन फ्राई हो गया है और प्याज भी काफ़ी हद तक घुल गए हैं। अब इसमें 1 ग्लास के करीब गर्म पानी डाल दिया था ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। लीजिए, चिकन सॉफ्ट हो गया था। आपने चावलों के हिसाब से पानी डालना है। आपके चावल कौन से हैं, बासमती चावल हैं या सीला चावल हैं, उसके हिसाब से पानी डालिए। मेरे बासमती चावल थे और जितने ग्लास चावल थे, जैसे 4 ग्लास चावल हैं तो मैंने 4 ग्लास ही पानी डाला था। और एक बात का ख्याल रखना है कि चावल जिस ग्लास से मैयर करने हैं उसी ग्लास से पानी डालना है। इसमें अदरक लहसुन का पाउडर भी गया था और चिकन पाउडर भी गया था, तकरीबन 1/2 साशे चिकन पाउडर का था। फिर कुछ टमाटर और कुछ लेमन डाल दिए थे क्योंकि इसका बड़ा ही खूबसूरत फ्लेवर आता है, खूबसूरत शक्ल आती है चावलों की और बड़ा ही ज़्यादा वाला मज़ेदार फ्लेवर आता है। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, 1-2 कतरे रूखे ओड़े के, और हरी मिर्चें डाल दी थी। ये देखिए क्या शानदार। देसी शेसी आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चिकन पुलाव की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए, एक एक चावल अलग अलग है, खिला खिला है। तो ये पहला चम्मच पुलाव से मोहब्बत करने वालों के नाम। खाइए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलेंगे और बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। आयशा अथर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।